खाते हैं। आज बारी है साझेदारों की पूंजी खाता। अब आप बोलोगे सर साझेदारों का पूंजी खाता बनाने की नौबत क्यों आ जाती है? देखिए क्या होता है, उसका कारण यह है कि देखिए एक तो होता है फर्म और दूसरे कौन होते हैं फर्म के साझेदार, ठीक। ये बहुत सारे साझेदार हैं, मान लीजिए हम मानते हैं कि दो साझेदार हैं, सपोज हम लोग मान लेते हैं दो साझेदार हैं ए और बी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एक फर्म और साझेदार के मध्य देखना बहुत सारे लेन देन होते हैं। जैसे कि एक साझेदार क्या करते हैं, फर्म में पूंजी लगाते हैं, साझेदार लोग फर्म में क्या लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। कभी कभी उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो फिर वो क्या कर लेते हैं, फर्म से आहरण कर लेते हैं, फर्म से आहरण कर लेते हैं। ऐसे ही साझेदार फर्म में पूंजी लगाए तो बदले में उनको क्या मिलता है, पूंजी पर ब्याज मिल जाता है। उनको बदले में क्या मिलता है, पूंजी पर ब्याज मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा फर्म में काम करते तो क्या मिलता है उनको, पारिश्रमिक मिल जाता है, पारिश्रमिक मतलब वेतन वगैरह मिल जाता है, ठीक है। या अगर मान लीजिए साझेदार ने फर्म को ऋण दिया तो बदले में क्या दिया जाएगा उसको, ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। मतलब एक फर्म में साझेदार को, एक फर्म जो है साझेदार को बहुत कुछ देता है। इसके अलावा लाभ में हिस्सा भी देता है कि नहीं, लाभांश नियोजन खाता में जो आता है लाभ में क्या देता है, हिस्सा भी देता है। तो देखो यहाँ पे फर्म साझेदार को बहुत कुछ क्या कर रहा है, दे रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि साझेदार फर्म से बहुत कुछ क्या कर लेता है, मतलब साझेदार फर्म को देता है, साझेदार फर्म क्या करता है, देता है। जैसे साझेदार फर्म को क्या क्या देता है, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज देता है, ठीक है, आहरण पर ब्याज देता है। और बस और क्या देता है, ठीक है, मेन जो है आहरण पर क्या करता है, ब्याज देता है। हाँ, हानि में हिस्सा, अगर हानि हो गया तो हानि में हिस्सा होता है। यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि एक साझेदारी फर्म में साझेदार और फर्म के मध्य बहुत सारे लेन देन होते हैं। और यहाँ पर आपका करेक्टर क्या है, आपको क्या बन के पढ़ने बोला था मैंने, फर्म की साझेदार, फर्म बन के पढ़ना आपको। आप अपने आपको क्या मानिए, फर्म मानिए, आप फर्म हो, ठीक है, आप हो फर्म। तो देखो बहुत कुछ साझेदार को देना है और बहुत कुछ साझेदार से क्या करना, लेना है। तो जो कुछ भी साझेदार को देना है तो उसको देने के लिए उसके घर जाओगे क्या, नहीं यार, इतना कुछ बार बार घर जाओगे क्या, पूंजी पर ब्याज देना घर जा रहे हैं, आहरण पर ब्याज लेना है, फिर वह घर जाके लेके आ रहे हैं, बड़ा परेशानी होगी ना। सीधा क्या करते पता है, जब इतना कुछ लेन देन है तो अलग से क्या किया जाता है, साझेदार का एक पूंजी खाता बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, साझेदार का पूंजी खाता, या फिर इसको चालू खाता ही बोल लो, ठीक है, पूंजी खाता या चालू खाता बनाया जाता है। अगर आप फर्म हो, अगर आपको लगे कि ये चीज मुझे साझेदार को देना चाहिए तो उसके पूंजी खाते में डाल दिया जाता है वो चीज को। जैसे क्या क्या देना चाहिए, पूंजी पर ब्याज, पारिश्रमिक, ऋण पर ब्याज, लाभ में हिस्सा, ये सब साझेदार के पूंजी खाते में या चालू खाते में डाल दिया जाता है। अगर आपको लगे कि ये चीज हमको साझेदार से लेना चाहिए तो बिना पूछे साझेदार से क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। जैसे कि आहरण पर ब्याज, हानि में हिस्सा, ये सब साझेदारों के अकाउंट से निकाल लिया जाता है, या आहरण है उसको भी निकाल लिया जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया, इस तरह से। तो अब पता कैसे चलेगा सर, हम ये तो बात हो गई नॉर्मल बातें, जब भी कभी अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ फर्म साझेदार के पूंजी खाते में डालो तो वहाँ साझेदार का पूंजी खाता पता है क्या होगा, समाकलन। यानी कि साझेदार, जब भी मैं बोलूँगा ये चीज़ साझेदार के पूंजी खाते में डालो तो वहाँ एंट्री क्या बनेगा, साझेदार का पूंजी या चालू खाता समाकलन होगा। यानी एंट्री क्या बना, जो दे रहे हो, जैसे ये दे रहे हो ना पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज खाता विकलन साझेदार के पूंजी खाते से या चालू खाते से। समझ में आया, अगर आपको लगे कि ये चीज़ निकालो तो क्या करोगे, उसका खाता विकलन, पूंजी या चालू खाता क्या होगा, विकलन। तो फिर जैसे कोई चीज़ निकाल रहे हो आप, आहरण पर ब्याज निकाल रहे हो, तो क्या एंट्री बनेगा, नहीं, हाँ, पूंजी या चालू खाता विकलन, हाँ, वेरी गुड, बोलो बोलो, पूंजी या चालू खाता विकलन आहरण पर ब्याज खाते से, ये एंट्री बनेगी। आई बात समझ में कि नहीं आई, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, एकदम आसान है कि नहीं है। तो जब कभी आपको लगे कि भाई ये चीज़ साझेदार को देना चाहिए तो उसके खाते में समाकलन कर दो, कभी भी लेना है निकालना है तो उसके निकालना मतलब विकलन कर दो। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया? तो ये होता है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार क्या होता है, साझेदार को जो पूंजी खाते की विधियाँ होती है, अब हम बात करेंगे पूंजी खाते की विधियाँ, क्या बात करने वाले हैं, पूंजी खाते की विधियाँ। देखो साझेदार की जो पूंजी खाते की विधियाँ होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थाई पूंजी पद्धति, पहला कौन सी पद्धति होती है, स्थाई पूंजी पद्धति। यहाँ पर क्या होता है, साझेदारों का पूंजी स्थाई होता है, मतलब हर साल साझेदार एक जैसे ही पूंजी लगाएंगे, एक साल अगर 1 लाख लगाए तो वही 1 लाख हर साल रोटेट होता रहेगा, बदलेगा नहीं, इसको बोलते हैं स्थाई पूंजी पद्धति। और एक होता है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, पूंजी पद्धति। इसमें क्या होता है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति मतलब इसमें साझेदार जो पूंजी लगाते हैं, इसके अलावा व्यापार में जो कुछ भी कमाते हैं वो भी फर्म में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, जिसकी वजह से पूंजी ना परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। मतलब जो पूंजी लगाए वो तो है ही है, और जो कुछ भी साझेदार फर्म से कमा रहे हैं उसको भी पूंजी में लगा देते हैं। क्या क्या कमा रहे हैं, जैसे सब कमा रहे हैं ना साझेदार लो फर्म से, सब व्यापार में लगा देते हैं, अपने घर नहीं लेके नहीं जाते, सब लगा देते हैं व्यापार में, उसको बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो जब कभी भी स्थायी पूंजी पद्धति बनाओगे उसमें आपको दो खाते बनाने पड़ेंगे, पहला बनाना पड़ेगा साझेदारों का पूंजी खाता, पहला बनाओगे साझेदारों का पूंजी खाता अलग से बनाओगे, और दूसरा बनाओगे आप लोग साझेदारों का चालू खाता।
जबकि अगर आप परिवर्तनशील पूंजी पद्धति अपनाओगे तो वहां पर आपको केवल एक पूंजी खाता बनाना है, वो है साझेदारों का पूंजी खाता ही बनाना है आपको, और कोई खाता आपको बनाना यहाँ पर नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक, ओके। तो यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता, यहाँ पर क्या होता है, पूंजी खाता अलग बनता है और जो कुछ भी साझेदार को देना है वो उसके चालू खाते में डल जाता है, जो भी कुछ लेना है वो चालू खाते से निकल जाता है। लेकिन अगर आप परिवर्तनशील पूंजी पद्धति अपना रहे होगे तो जो कुछ भी साझेदार को देना है तो सब पूंजी खाते में ही जाएगा, जो भी लेना है साझेदार के पूंजी खाते से ही निकलेगा। समझ में आया? यहाँ दो बर्तन है, यहाँ पे केवल एक बर्तन है। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है? कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं, रिवाइज कर दो एक बार, दो मिनट रिवाइज करते हैं। देखिए क्या लिखा है, फर्म का व्यापार होता है और फर्म होता है साझेदार और फर्म के बाद बहुत सारे लेन देन होते हैं। जैसे साझेदार फर्म को पूंजी लगाते हैं, फर्म से आहरण करते हैं, फर्म को साझेदार को बहुत कुछ देना होता है, जैसे कि पूंजी पर ब्याज, पारिश्रमिक, ऋण पर ब्याज, लाभ में हिस्सा, ये सब साझेदार लोग को क्या करना होता है, देना होता है। वैसे ही साझेदार से फर्म को बहुत कुछ लेना होता है, जैसे आहरण पर ब्याज, हानि में हिस्सा, ये सब लेना होता है। तो ये सब लेना देना चलते रहता है, तो इसके लिए हम उसके घर नहीं जाएंगे लेने देने के लिए, हम सीधा उनका एक खाता मेंटेन करेंगे, या तो उसको पूंजी खाता बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, चालू खाता बोलेंगे। अगर आपको लगे कि साय आप फर्म हो तो अगर आपको लगे कि मुझे ये साझेदार को देना चाहिए तो उसे घर मत जाना देने के लिए, सीधा उसके पूंजी खाते में डाल देना, पूंजी या चालू खाते में। अगर आपको लगे कि मुझे लेना चाहिए तो उसके पूंजी खाते से क्या कर लेना, या चालू खाते से निकाल लेना। डालना मतलब पूंजी खाता समाकलन करना, निकालना मतलब पूंजी खाता विकलन करना। आया बात समझ में? तो पूंजी खाता बनाने की दो विधियां हैं, एक विधि है पूंजी स्थाई पूंजी पद्धति, दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थाई पूंजी पद्धति में दो खाते बनेंगे, साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता, मतलब दो बर्तन है यहाँ पे। पूंजी खाते में केवल पूंजी डालोगे और चालू खाते में जो भी लेन देन है वो चालू खाते से करोगे। परिवर्तनशील पूंजी खाते में केवल एक ही बर्तन है पूंजी खाता, जो कुछ भी देना लेना है पूंजी खाते में डालो, पूंजी खाते से निकालो। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? प्लीज नोट करिए, ओके, ध्यान देंगे आप सभी। तो देखिए अब हम लोग बारी बारी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं आपको। सबसे पहले मैंने बताया कि पूंजी खाता बनाने की दो विधियां हैं, एक परिवर्तनशील दूसरा स्थाई। पहले अपन स्थाई डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे स्थाई पूंजी पद्धति, स्थाई पूंजी पद्धति। तो देखो बच्चे, स्थाई पूंजी पद्धति आप लोग बनाना है तो इसमें दो खाते बनते हैं। सबसे पहला खाता बनेगा साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो कॉलम क्रिएट कर लेना इस तरह से। चलिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते दो साझेदार हैं, तो जितने साझेदार होंगे उतना कॉलम बनाना है आप लोगों को, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ दो साझेदार है तो मैं दो कॉलम लेके चल रहा हूँ, एक विकलन पक्ष है दूसरा समाकलन पक्ष है, ठीक है। ये दो साझेदार है विवरण, ए साझेदार का कॉलम, बी साझेदार का, ए और बी का, ठीक है, विवरण। अच्छा अब देखिए, अब क्वेश्चन में सवाल उठता है कि पूंजी खाता आप बना रहे हो, ठीक है। तो पूंजी खाते का दो स्थिति हो सकती है, या तो साझेदार व्यापार अभी जस्ट स्टार्ट किए तो तुरंत पूंजी लगाएंगे, अगर वो लोग तुरंत पूंजी लगाएंगे तो व्यापार में रोकड़ा आएगा ना, रोकड़ा आएगा तो क्या एंट्री बनेगा, जनरली रोकड़ा खाता विकलन पूंजी खाते से होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे वही होगा। तो पूंजी खाता क्या हो रहा है यहाँ पे, समाकलन हो रहा है। तो बच्चों समाकलन साइड आएंगे और क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता को, रोकड़ खाता को लिखना। कब, अगर वो लोग शुरू में पूंजी लगा रहे हैं, अभी व्यापार जस्ट शुरू हुआ है पूंजी लगाने पर, ठीक है, पूंजी अगर वो लोग लगा रहे होंगे नई पूंजी, तो उसको लिखना समाकलन साइड में। समझ में आया? या फिर मान लीजिए लोग शुरू रेगुलर व्यापार कर रहे हैं, अभी व्यापार शुरू नहीं कर रहे बट पहले से व्यापार चला आ रहा है, और ज़्यादातर 90% केसेस में आपको यही देखने को मिलने वाला है, तो यानी पूंजी पहले से पड़ा हुआ है। तो पूंजी का शेष हमेशा कौन सा शेष होता है, समाकलन की विकलन, समाकलन, वेरी गुड, पता है आप लोगों को समाकलन होता है। तो बेटा समाकलन से स्टार्ट करना, उनका पूंजी जो दिया रहेगा लिखना शेष लाया गया, जो भी पूंजी का रकम दिया रहेगा उसको क्या कर लेना, लिख लेना शेष लाया गया, बस। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगा। अगर अतिरिक्त पूंजी लगाएंगे तो रोकड़ खाता को, नहीं लगाएंगे तो जाने दो। समझ में आ गया? इसके हाँ पहले से दिया रहेगा, वैसे ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस इतना ही रहेगा, समाकलन जोड़ना, विकलन क्या करना, घटाना। तो शेष कौन सी बात यहाँ आएगा, इस तरफ आएगा शेष, तो इसको कहेंगे हम लोग शेष ले गया। क्या कहेंगे, शेष ले गया, और उस अमाउंट को यहाँ पे क्या कर देना, छाप देना, ठीक है, और टोटल कर देना, टोटल कर देना, और शेष ले गया को ट्रांसफ़र करना, शेष लाया गया, ऐसा ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है, ऐसा ट्रांसफ़र कर देना, क्लोज कर देना। ये बन गया तुम्हारा पूंजी खाता सिर्फ, और कोई एंट्री नहीं। मतलब सिर्फ किसकी एंट्री होगी, पूंजी की एंट्री होगी, और अगर पहले से पूंजी तो फिर शेष लाया गया होगी और उसी को ट्रांसफ़र कर देना, बात खत्म। ये जब क्वेश्चन बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, अभी आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा, हालांकि जो 11th अच्छे से पढ़े उनको तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद आता है साझेदारों का चालू खाता, क्या बनाया जाएगा, साझेदारों का चालू खाता। चूंकि यहाँ पूंजी स्थाई है तो पूंजी का खाता अलग से बनेगा, और साझेदारों को जो भी व्यापार से मिलने वाला है, जो भी व्यापार उनसे लेने वाला है, सब किसके थ्रू लेगा, चालू खाते के थ्रू लेगा, ठीक है। अब चलिए बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे समाकलन पक्ष है और यहाँ पर विकलन पक्ष है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये ए और बी, ये आपका विवरण वाला कॉलम, ये आप लोगों का विवरण वाला कॉलम, ठीक है।
अब सवाल उठता है कि सर पूंजी खाते का शेष तो आपने हमको बता दिया कि पूंजी खाते का शेष जो है सदैव समाकलन शेष होता है, ठीक है, लेकिन जो चालू खाता होता है उसका शेष कौन सा शेष होता है? तो बच्चों चालू खाते का शेष सदैव विकलन भी हो सकता है, समाकलन भी हो सकता है, कोई माई बाप नहीं इसका। चालू खाते का शेष विकलन भी हो सकता है और समाकलन भी हो सकता है, कोई उसका कुछ नहीं कह सकते। समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर कुछ ना बोले तो क्या मान के चलना? जब क्वेश्चन साइलेंट रहे तो क्या मान के चलना? उसका शेष क्या है? समाकलन शेष है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन में अगर चालू खाते का कोई शेष दिया है और उसका शेष समाकलन दिया है, तो कहाँ शुरुआत करोगे? समाकलन से शुरुआत करोगे और लिखोगे शेष लाया गया। क्या लिख देना? शेष लाया गया, ऐसा लिख देना समाकलन साइड में, समाकलन शेष। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा उनका क्या कर देना आप लोगों ने? लिख देना है। समझ में आया? और अगर शेष उनका विकलन है तो फिर शुरुआत कहाँ से करोगे? विकलन से शुरुआत करोगे। क्या लिखोगे? शेष ले गया, शेष लाया गया। क्या लिखोगे? शेष लाया गया अगर विकलन शेष है तो। ठीक है, लिख देना यहाँ पे, छाप देना चुपचाप उसके अमाउंट को, लिख देना। क्लियर आप सभी को? अब देखो मैंने क्या बोला था, आप फर्म हो, जो कुछ भी तुम साझेदार को दोगे उसके कहाँ डालोगे? चालू खाते में समाकलन कर दोगे, जो भी उनसे लोगे तो विकलन कर दोगे। तो अब सोचो कि तुम साझेदार को क्या क्या देते हो, जैसे पूंजी पर ब्याज पहला क्या देते हो? तो देते हो कि लेते हो? दोगे तो उनके उनके खाते में क्या करोगे? तो समाकलन साइड लिखना, पूंजी पर डाल देना उनके खाते, पूंजी पर ब्याज खाता को दे दो उनके अकाउंट में, पूंजी पर ब्याज खाता को डाल दो। समझ आया? इसके अलावा साझेदार को और क्या देते हो? पारिश्रमिक। तो फिर क्या करेंगे? समाकलन में देना ना उनको, तो पारिश्रमिक खाता को। और साझेदार को क्या देते हो तुम लोग? ऋण पर ब्याज। वेरी गुड, तो ऋण पर ब्याज खाता को, ऋण की एंट्री मत कर देना यहाँ पे, केवल ऋण पर ब्याज खाता को। समझ में आ गया? ऋण का अलग खाता बनता है, ओके, वो लिख देना। और बोलो साझेदार को क्या देते हो? लाभ में हिस्सा, जो लाभ हानि समायोजन में बनाए थे, तो वहाँ लिखना लाभ हानि, यहाँ लिख सकते हो लाभ हानि नियोजन खाता को। क्या लिखोगे? लाभ हानि नियोजन खाता को। ये कौन सा पैसा है? लाभ वाला। कौन सा पैसा है? लाभ वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? ठीक, तो ये सब चीज़ साझेदार को देते हो। साझेदार से लेते क्या क्या हो? आहरण, किस साइड? तो विकलन में लिखेंगे आहरण खाते से। और क्या लेते हो साझेदार से? आहरण पर ब्याज। क्या लेते हो बच्चों? आहरण पर ब्याज नहीं लेते हो, तो उसको भी लिख लो। हाँ हाँ, बता रहे, सब लाइन से आ रहे हैं। फिर क्या? हानि, लाभ हुआ तो समाकलन में, हानि हुई तो क्या लिखेंगे? लाभ हानि, उनके हानि होगा तो उनके खाते से निकाल लेना, खाते से ब्रैकेट में लिख लो हानि समझने के लिए। कौन सा पैसा? ये हानि वाला। समझ आया कि नहीं आया? तो देखो ये सब उनके पूंजी खाते में डला है और ये सब उनके पूंजी खाते से निकला है। तो बच्चों बस खाता वही को क्या करना है आप लोगों ने? बंद करना है, ठीक है, बंद करना है और शेष निकालना है। समाकलन जोड़ना, विकलन घटाना, 95% केस में शेष इसी तरफ आएगा आप लोगों का, विकलन तरफ ही शेष आएगा, उस तरफ भी शेष आ सकता है, बट ज़्यादातर शेष इसी तरफ आता है। उस शेष को क्या लिखोगे? शेष ले गया। क्या लिखोगे? शेष ले गया। देखो इतना जमा हुआ, इतना कटा, तो सीधे सी बात है शेष बचा, तो इस पैसे को इधर ट्रांसफर करोगे, क्या लिखोगे? शेष लाया गया। इससे क्या सिद्ध होता है कि आपके इनके चालू खाते में इतना इतना रकम क्या है? अभी जमा हुआ है, इतना रकम उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। नहीं आया समझ में? तो कौन सी पद्धति थी? स्थाई पूंजी पद्धति थी, ठीक है, पहले पूंजी खाता फिर चालू खाता। दिमाग बैठ गया? प्लीज़ नोट करिए जल्दी से। तो ये देखो हम लोग क्या बनाए? स्थाई पूंजी पद्धति बनाए। अब हम लोग क्या सीखेंगे? परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। देखो जैसा कि आपको बताया गया, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में क्या होता है? परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में आपने जैसा कि जाना कि केवल कौन सा खाता बनता है? पूंजी खाता बनेगा। केवल कौन सा खाता बनेगा? पूंजी खाता। सीधा हम लोग पूंजी खाते का ही प्रारूप बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट पूंजी खाता बनेगा, ओके। तो ये बन गया पूंजी खाता, ठीक। तो ये ऐसा पूंजी खाता बनेगा, एक ही खाता बनेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर पहले से, अगर मान लीजिए पूंजी नया लगाया है तो रोकड़ खाता को कर देना, या पहले से अगर पूंजी पड़ा है तो फिर शेष लाया क्या कर देना। अब हो गया कहानी खत्म। अब जो कुछ भी साझेदार को देना है वो चालू खाते में नहीं जाएगा, सीधा उनके परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, केवल एक खाता है, सारा कौन से बर्तन मुड़े लेंगे? पूंजी खाते में, ठीक है। तो वो जो कुछ भी देना साझेदारों के पूंजी खाते में समाकलन करोगे, जो कुछ भी लेना है विकलन में, यानी कि जो जो चालू खाते में आप एंट्री करते थे सारी एंट्री कहाँ होगी? पूंजी खाते में। बताओ साझेदार को क्या क्या देते हो? पूंजी पर ब्याज, किस साइड? तो लिख देना पूंजी पर ब्याज खाता को। समझ में आया? पूंजी पर ब्याज खाता को। हाँ जी, क्या बोले आप? कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ जी, कुछ बोल रहे हो? नहीं। साझेदार को पारिश्रमिक दोगे तो? हाँ, समाकलन साइड में पारिश्रमिक खाता को, पारिश्रमिक खाता को। अच्छा, साझेदार को ऋण पर ब्याज दोगे तो?
और क्या देते हो, ऋण पर ब्याज नहीं देते हो, ऋण पर ब्याज खाता को और क्या देते हो साझेदार को, लाभ में हिस्सा, तो लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता को, लाभ हानि नियोजन खाता को। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, इसके अलावा साझेदार से ये सब देते हैं, लेते क्या क्या हैं, जैसे आहरण, तो आहरण विकलन पक्ष में है ना, आहरण खाते से और क्या लेते हैं, वेरी गुड, आहरण पर ब्याज खाते। समझ में आ गया क्या, किधर किधर एंट्री करनी है और क्या लेना है, लाभान नियोजन खाते से, लाभानी नियोजन खाते से, ठीक है, ऐसा लिख लेना। ऑलराइट, तो बस समाकलन जोड़ना, विकलन घटाना। देखो साझेदार लोगों ने कुछ पूंजी लगाई थी, जो कमाई वो भी क्या कर दिया, लगा दिया। अब 99% केसेस में किस साइड आएगा बैलेंस, विकलन तरफ ही शेष आएगा, मतलब वो ज्यादा होगा या कम होगा। तो फर्म की क्या आ गई, नई पूंजी आ गई, क्या गई, यही नई पूंजी बन गई, परिवर्तन हो गया ना पूंजी, जो कमाए सब लगा दिए, निकाले जो बच गया वो क्या बच गया, नई पूंजी, शेष ले गया। क्या आंसर आ गया हमारा, ट्रांसफर करो शेष, लाया गया। दिस इज योर पूंजी खाता, क्या बोलते हो, कैसा लगा? अच्छा, लल्लन टॉप, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है, पक्का? चलिए नोट करिए जल्दी।